डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। तो देखा जाए तो रैपिडिव रेडिएशन जो है वो होमोलॉगी शो कर रहे हैं और होमोलोगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक और एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस की। डार्विन फिंचेस की अगर बात करें तो डार्विन ने फिंचेस नाम दिया था बेसिकली बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो उसने उसकी अपनी जो जर्नी थी उसका उसने जो देखा था बेसिकली एक आइलैंड पर पहुंचा था जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। दैट इज अ गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली लोकेट करता है नियर साउथ अमेरिका पर, नियर साउथ अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के पास में ही है। और ये ग्रुप है बेसिकली ग्रुप ऑफ 22 स्मॉल आइलैंड, यानी स्मॉल आइलैंड 22 स्मॉल आइलैंड से घिरा हुआ है ये एरिया, तो इसको नाम दे दिया गया डेट इज अ गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस जो वर्ड आया है वो आया है टॉर्टोइस से। अब अगर देखा जाए तो डार्विन ने जो मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स यहां पर देखे थे वो थी बर्ड्स, तो यहां पर डार्विन को मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर की बात करें तो मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर क्या थी, दैट इज अ बर्ड्स। और वो बर्ड्स भी बेसिकली अगर देखा जाए तो स्मॉल ब्लैक कलर बर्ड थी। स्मॉल ब्लैक कलर बर्ड थी जिसको उसने नाम दिया था डार्विन फिंचेस। इसके बाद जो इन बर्ड्स के अंदर मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर था जिसके जो जिसने इसको काफी मुतासिर किया अमेज किया वो था बेसिकली शेप ऑफ बीक। तो ये बेसिकली शेप ऑफ बीक जो थी इसने सबसे ज्यादा इसको बेसिकली इम्प्रेस किया था, समझ रहे हैं। यहां पर अगर आपने देखा तो ये बेसिकली ये जो यहां मैंने बताया था दीज आर द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, सब दीज आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब जरा देखते हैं हम डार्विन फिंचेस की बात समझ में आ गई। इसके बाद थर्ड आ जाइए तो डेट इज अ प्लासेंटल मैमल्स। डेट इज प्लासेंटल मैमल्स की बात कर लेते हैं। प्लासेंटल मैमल्स की बात करें तो ये बेसिकली एंसेस्टर्स हैं प्लासेंटल मैमल के। प्लासेंटल मैमल के ये एंसेस्टर है और ये एंसेस्टर जिनके अंदर जिन मैमल्स के अंदर प्लासेंटा होता है उसकी बात हो रही है। तो इसके एंसेस्टर में से कुछ एंसेस्टर चेंज हुए वुल्फ में, वुल्फ आप जानते हैं अच्छे से, कुछ चेंज हुए बॉबकैट में, कुछ चेंज हुए बेसिकली माउस में, कुछ चेंज हुए स्पाइनी आंट ईटर में, कुछ चेंज हुए बेसिकली डियर में, कुछ चेंज हुए ब्राउन बियर में, कुछ चेंज हुए लेमूर में, लेमूर में चेंज हुए, कुछ रैबिट में चेंज हुए, कुछ रैबिट में चेंज हुए,
कुछ मोल में चेंज हुए, कुछ फ्लाइंग फॉक्स में चेंज हुए। फ्लाइंग फॉक्स किसको कहते हैं हम? तो दैट इज अ बैट में चेंज हो गए। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये थे बेसिकली अडैप्टेटिव रेडिएशन ऑफ प्लासेंटल मैमल्स। आज ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, ये थोड़ा सा ड्राई पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस तरीके का है जो बहुत मतलब सिर्फ रटने वाला है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी, ऑब्वियस बात है। यहाँ पर नोट बना के लिखना है और नोट बना के क्या क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। तो आ जाइए, डैट इज अ फादर ऑफ इंडियन पैलियोन्टोलॉजी। बताइए जरा कौन है फादर ऑफ इंडियन पैलियोन्टोलॉजी? जी, इंडियन पैलियोन्टोलॉजी के कौन फादर हैं? तो ये हैं प्रोफेसर बीरबल सानी। इसके बाद दूसरे की बात करें, इंडिया किस एरिया में आता होगा? क्या हो गया इसको? तो इंडिया इज प्रेजेंट इन ओरिएंटल रीलम। ओरिएंटल वाले हिस्से में आएगा। तो मैंने कहा कि एक्वेटिक मैमल्स की बात कर रहे हैं हम। That is aquatic mammals like dolphin है, whale है, ये सब mammals ही शायद पता होगा आपको। whale है, seal है, porpoises है, do not have gills। इनके पास क्या नहीं होते? गिल्स नहीं होते। समझ रहे हैं? बिकॉज देयर एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ is secondary। तो जो aquatic life है वो secondary होने की वजह से इन mammals के अंदर क्या मौजूद नहीं है? तो इन mammals के अंदर कोई gills नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ गई है या नहीं? तो next heading आ जाइए आप, that is our theories of ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो हेडिंग लिख लीजिए, दैट इज द थियोरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यहां तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर।